आज तो थेम थेम हम तो तोरी मैं दादा बाल नहीं लाऊंगी क्योंकि मेरे बाल में दो तीरिया ने अंधे दिए हैं वो तही तूती ना जाए हेलो तो ही मेरी आंखों में थीदा नहीं देखेगा तब लोग यहाँ थे थुरु तरेंगे यहाँ थे फिर मेरी आंखों में देखो मेरे अंध अंध तो निहालो जिंदगी के मजे लो तुम जिंदगी के मजे आज मैं अपने फैमिली तलून में ढली हूँ ये है तमतम तलून इसमें मैंने बहुत सारे लोदो था मैं तो अवल किया है दाविदी आपको यतीन नहीं ओला होगा अभी दिताती हो ये देखिए सबसे पहले मैंने इतना मैं तो अवल किया था मैं तो अवरते बाद दूसरा नंबर इतना मैं तो अवरते बाद लोग मलते हैं मैं तो अवरते आने के लिए मेरे थे बड़े बड़े लोग आएंगे मेरे तलून में अलो एक मिनट हाथ तिलक नितुल सर ए मैं निकुल नहीं हूँ मैं पा ओहो यार ये कॉमेडी सर्कल की वजह से जो कोई टकला आदमी दिखते उसे लोग निकुल ही बोलते हैं इतनी अजीब बातें करता है अरे तेरी बातें मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है दूसरे दिन ऐसे इतना तवेद टकला है बातें जाने से पहले फितल जाती है मेरा सर टकला नहीं तेरा पेट टकला है हेलो किसका फोन है दैवित से पूछो मेरा पेट कितना तकती है समझे तुम ये सेक्सी पेट है हाफ स्कर्ट पहना तो सेक्सी हो गया क्या तो क्या हुआ हाफ स्कर्ट पहना है जिस दिन मैं हाफ कपड़े पहनती हूँ उस दिन मैं थैलून में हाफ दे लेती हूँ जिस दिन मैं फुल कपड़े पहनती हूँ उस दिन थैलून में मैं फुल दे रहती हूँ और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन बतवास बंद करो बदतमीज लोंदे क्या बोली बदतमीज लोंदा यार तेरी बातें मेरे दिमाग में नहीं आ रही मुझे लिख के दे अरे मैं लिख तो सकती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती अरे मैं पढ़ सकता हूँ तू लिख के दे ये ले ये क्या लिखा है मैंने कहा था मैं लिख सकती हूँ मैं पढ़ नहीं सकती हेलो मैं इनको होत में ला सकती हूँ कैसे मुझे इनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना पड़ेगा दादू उठ गए कौन है ये दादू अरे दादू नहीं ये जादू है नहीं देती इतनी उम्र है ना ये दादू ही है दादू प्लीज तू देता करो धूप खाकर धूप करके कि मेरी दुबान ठीक हो जाए मैं एकदम क्लियर बोलूं पहली दुबान ए चुप बैठ तू इसकी आवाज क्या ठीक करेगा ए पंडित से बात कर मेरे ग्रह पे लोग मुझे सोनू निगम कहते हैं सोनू निगम तो तेरे ग्रह का हिमेश कैसा होगा अरे कैसा होगा क्या हिमेश हमारे ग्रह का ही है हमारे ग्रह का है और क्या तुझे क्या लगता है वो ऐसे गाना क्यों गाता है धूप से चार्ज करता है अपने आप को मैं कहती हूँ कि अब मैं तो और का तिलतिला तुलू दिया जाए हाँ तुलू किया जाए मुझे अपना रंग बदलना है वो नहीं पहला मेरा मेकओवर करो प्लीज पहले मेरा मेकओवर कर दीजिए देखिए मेरी उम्र भी इतनी हो गई है आजकल तो मैं चल के दूध की डेयरी पे जाता हूँ दूध लेने के लिए तब तक मेरी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है दूध खरीदता हूँ गट 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 करके दूध पीता हूँ तब मुझ में एनर्जी आती है फिर मैं लौट के घर जाता हूँ तब तक मेरी एनर्जी फिर से डाउन हो जाती है फिर घूमता हूँ और दूध की डेयरी जाता हूँ बस मैं जाता हूँ आता हूँ इसमें मेरा साला का सारा दिन गुजर जाता है ओह माय गॉड तुम्हें बाती के काम तब करते हो अरे कौन से बाकी के काम मैं कोई काम नहीं करता बस दूध की डेयरी जाता हूँ और दूध की डेयरी से आता हूँ अभी भी बस दूध की डेयरी जा रहा था रास्ते में ये सलून देखा तो मैं घुस गया अंदर ए बुड्ढे तेरा हो गया
मैंने सुना तुम टैटू भी निकालती हो। मैं टैटू भी बनाती हूँ। आप कौन सा टैटू बनाएंगे, अपने हाथ में फूल बनाएंगे या फिर धरी? ए, फूल तो लड़की लोग बनाते हैं, मैं तो घड़ी बनाएगा। पत्ता? हाँ। तो लो एक बार। हाँ ठीक है, आधे बंद करो। ये देखिए धरी, अब पेन से ताते तू थूत बना लेना। मेरे आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज आप मेरा रंग बदल देंगे? ओते ओते उतो इधर आओ। मैंने वो क्या है ना, मैं अपने ब्लू कलर से एकदम परेशान हो गया हूँ। आप बैठिए दादू, चलाइए आप थरे रहिए। ऐसा मैं तो और करूंगी कि रिलैक्स हो जाओगे और लोग भी नहीं बताएंगे। बस आशीर्वाद बेटी आशीर्वाद। आप भी अपना पेन तू बतरिए। सबसे पहले हम तरेंगे एक्टिंग। आराम से बेटी आराम से गला। ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एकदम 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 तो लगता है ये तो भी गए। आप तू पागल हो गई है क्या? मुझे नहीं लगता तुझे पार्लर का कोई भी काम आता है, ये तूने क्या किया? मैंने तब कहा था कि मुझे पार्लर का काम आता है। अरे मैं तो बचपन से एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। मैंने बहुत सारे लैंप तो किए, एक तो बहुत बड़ा मैंने तो किया था, मैं लैंप पे ऐसे तली म्यूजिक। लोगों ने फोटो निकाली? नहीं, तप्पल से माला कहते मोती तपरे पे। मैं तो इतना दूध हुआ मैं वही थे भागी। फिर मैं तो याद आया कपड़े तो उधर ही रह गए, फिर मैं वापस भागी। फिर लोगों ने फोटो निकाली? नहीं, इस बार तप्पल देनी दूते से मारा, कहने लगे मोती तपरे पे नंगा गेंदा लग रही है। लेकिन अब डेविड डिकी और मेली एकदम क्लियर बात हो चुकी है कि इनकी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन अलो। अरे हीरो हीलो उनका बेटा और कौन है ना? तो डेविड सर आपकी अगली फिल्म में भारतीय हीरोइन बन रही है? शी सुपर्ब यार, बहुत अच्छा, जो भी करती है सब अच्छा करती है। नहीं वो बड़ी चेप है, एक बार चढ़ गई तो छोड़ेगी नहीं। हाँ। पिक्चर में अपने अपने आप को कास्ट करके ही रहेगी। इसी को कलाकार बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच सर। और आप अगर मुझे ले लेंगे तो बाकी जो औरतें लेंगे उनका खर्चा बच जाएगा। मैं माँ भी बन जाऊंगी, बहन भी, बेटी भी, वॉचमैन भी, काम वाली, भाई सारी लड़कियां मैं ही। डेविड जी कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस शी इज वेरी गुड। इवन सिद्धार्थ, इवन किकू, ऑल ऑफ देम दे हैव डन वेरी वेल। विदाउट अ स्टोरी लाइन दे पुल्ड ऑन द होल एक्ट। इट्स नॉट बैड। हाँ। अर्चना आपको कैसी लगी इनकी बहुत ही दुख भरी दास्तान रैंप वॉक पर चलने की? सो मेनी एलिमेंट्स इन वन एक्ट, कुछ अच्छे कुछ नॉट सो अच्छे कुछ बहुत अच्छे, काफी कुछ नया और काफी कुछ पुराना, लेकिन इनका जो मिश्रण आप सब करते हो इस मंच पर वो हमेशा एंटरटेनिंग होता है। बट यू नो भारती और वन एक्टर जो जहाँ पर भी दुनिया में लड़कियाँ अगर ना खुश हैं अपने आप से ना अपने वजन से, तो दे शुड लुक एट यू एंड से how you use that weight to entertain, to seduce and entice all three. Itna badhiya. I want to say this here that aapka jo bhi weight ho, आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, आप इतनी कमसिन लगती हैं, हसीन लगती हैं, इस रैंप पर वॉक करना is very difficult, but jis andaaz se aap karti hain really you feel you don't want to watch any other top heroine and we just want to watch you. Thank you. Pure talent. To Bharti, Kiku aur Siddharth ke liye ek bar zordar taaliyan.